या कोई किसी क्रुद्ध विषैले सर्प अथवा तेज जलती हुई अग्नि की लपटों से एक बार बचने के बाद फिर उसी में पड़ने की इच्छा करता है, उसी प्रकार एक बार काम विषयों को त्यागने के पश्चात उनको फिर से भोगने की इच्छा कौन करेगा। ये प्रैक्टिकल बात है कि अगर एक बार कोई छूट गया विकारों से, जो आप बोलते हैं ना, कुछ समय तो हम बिल्कुल छूट गए, अब पता नहीं क्यों मन में फिर संकल्प चलने लगे, इसका मतलब है इच्छा खत्म नहीं हुई थी, इच्छा दबाई गई थी। जब एक बार कोई स्वरूप जान गया किसी भी विकार का, जैसे बोला भाई कोई बहुत क्रुद्ध विषैला सर्प है, कोई उसकी चपेट से बच आया, क्या वो दोबारा जाने की इच्छा करेगा? आग लगी किसी घर में, जगह में, आप बड़ी मुश्किल से बचे उस आग से, क्या आप फिर इच्छा करोगे उसमें जाने की? नेचुरली कोई भी ऐसी इच्छा नहीं करेगा। ऐसे जब एक बार समझ आ जाता है विकारों का स्वरूप क्या है, कोई भी दोबारा इच्छा नहीं कर पाएगा। ये जो फिर भूल होती है, ये नासमझी की निशानी है। ऊपर से लगता है जैसे हम समझ गए, पर अंदर से हम समझे नहीं। स्कूल में नहीं होता था, जब टीचर पढ़ा रहा होता था ऐसे लगता था सब समझ आ गया, घर आके किताब खोलो याद ही नहीं आ रहा टीचर कह क्या रहा था। फिर क्या करते थे, नोट्स लिख के ले आते थे, थोड़े थोड़े हिंट, घर आके उसको पढ़ा, पूरा क्लास का लेक्चर याद आ गया। मन की ये स्थिति यहाँ पर भी है, बुद्धि की स्थिति। यहाँ जब बात चलती है कोई भी, ऐसे लगता है राइट, जगत मिथ्या है, हाँ जी, अहंकार जो है वो फानी है, हाँ जी तो कर लिया, पर क्या उतनी डेप्थ में बात को समझ पाए हो? जो सोचने जैसी बात है, अपने अंदर अगर हम झांक के देखें हालत कितनी अजीब है। अभी भगवान बोल रहे हैं भाई, भैंस गाय को कहती है हट काली पूंछ वाली। अब हम किसी भी बात पे किसी को देख के, हो सकता है नजर मिले स्माइल पास हो जाए, पर यहां बैठे जो बाकी लोग हैं ना, उनकी हंसी नहीं रुकती है। क्यों? दिमाग ये सोच रहा है शायद दूसरे को भैंस कह रहे होंगे, शायद उसके काले कपड़े देख के कह रहे होंगे। तो तुम ये सोचो, ये पॉइंट सुनते हुए भी तुम अंतर्मुख नहीं हो, तुम उठा के क्या ले जा रहे होगे? मतलब कितना रजोगुण, कितनी चंचलता, अपना हाल बेहाल है पर दूसरों से हंसने से फुर्सत नहीं है। हम तभी तो रोज कह रहे हैं कि विचार करना, तुम यहाँ के योग्य हो योग्य, हाथ तो डाल लिया ऊंचों को, लेकिन ऊंचा होने की कोशिश है। जब मैं खुद हंसी का पात्र हूं, मैं दूसरों पे कैसे हंस सकता हूं? या तो वही हाल है, कल्लू की माँ पकोड़े तल के रखना अभी आ रहा हूं, चाहे गधे पे सवार है चाहे काला मुंह है, पर आदत रोज की पड़ गई है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये है केवल बुद्धि तक का ज्ञान, सुन सुन के जो छोड़ा जा रहा है, ना विचार है ना अफसोस है। आज अगर अपनी जिंदगी के लिए अफसोस पैदा हो जाए, फिर भी इंसान कुछ कर ले, लेकिन अफसोस नहीं है, बैरमुखता ही बैरमुखता है, रजोगुणी वृत्ति, चंचल वृत्ति, बस दूसरे की तरफ देखने का ख्याल, अपने लिए कोई विचार ही नहीं है। इसको कहते हैं, ये ज्ञान कान सुनते हैं,
ये ज्ञान बस बुद्धि तक बैठता है। अगर किसी ने सचमुच अष्टावक्र की बात को रियलाइज कर लिया, पांच विषय विष के सदृश और पांच गुण अमृत के सदृश धारण करने हैं, अगर विषय विष समझ आ गए, अब वो तुम्हें बांधेंगे कैसे? अगर गलती से पैर फिसल जाए, गटर में गिर जाओ, दोबारा गिरने का संकल्प होगा क्या? बहुत पुराना एक दृष्टांत भगवान बहुत बताया करते थे कि एक बार एक आदमी शराब पी गया, नशा चढ़ गया उसको। नशे में झूमता जा रहा था, एक गटर का ढक्कन खुला था, उसके अंदर गिर गया। भंगन घरों से पहले आपको पता है विष्ठा उठा के जाती थी, कूड़ा उठा के जाती थी, सीवर सिस्टम नहीं थे। भंगन वहां से निकली, उसको लगा गटर का ढक्कन खुला पड़ा है, कौन कूड़ा दूर फेंकने जाए, विष्ठा दूर फेंकने जाए। उसने उसी गटर में वो सब गंद डाल दिया, नशे में था ना। जब गिरा गटर में तो सोचने लगा अमेरिका का स्विमिंग पूल में आ गया हूं मैं, नशा था। ज्यों भंगन ने विष्ठा डाली, कचरा डाला, कहता है हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहां तो अप्सराएं फूल बरसाती हैं, बड़ा अच्छा स्विमिंग पूल है यहां का। तो हाथ पैर मार रहा था, हाथ में चूहा आ गया, कहता है वाह यहां तो चिकन मटन भी मिलता है स्विमिंग पूल में। गुजरा उधर से एक संत, हलचल देखी गटर में, दो आदमियों को बुलाया, बाहर निकाला, उसको साफ किया, नहलाया, खटाई खिलाई, होश में आया, अब पता चला मैं कहाँ गिरा था, फूल कौन से बरस रहे थे और चिकन मटन कौन सा मिल रहा था, होश आ गया। ऐसा आदमी क्या दोबारा उस गटर में जाने का ख्याल कर सकता है? अपनी दुर्दशा अगर पहचाने, होश में आ जाए, पहली बात होश, दूसरी बात अपनी दुर्दशा से साक्षात्कार, जरूरी चीजें हैं दो। ये नहीं घटती जिसके जीवन में, वो शुद्ध नहीं हो पाएगा, सावधान भी नहीं हो पाएगा। पहली बात है होश में आना। गुरु ज्ञान बता बता के, जन्मों की बेहोशियां तोड़ के हमें होश में लेके आता है। होश में नहीं आएगा तो वो नहीं समझ पाएगा उसकी हालत कैसी होती जा रही है। अपनी हालत को समझने के लिए पहले होश चाहिए। बहुत बेहोशी है इंसान के पास। बेहोशियों में जगत में जी रहा है, बेहोशियों में सारे कर्म कर रहा है। अब एक आफत और हो गई, बेहोशी में ज्ञान सुन लेते हैं। चलो सुना तो बेहोशी में ही जाएगा, लेकिन होश आ जाना चाहिए, बेहोशी टूटनी चाहिए, मजबूरी है। होश में लाने के लिए भी ज्ञान सुनाना पड़ता है, पर जब वो ज्ञान भीतर नहीं जाता, लुकमान की दवाई एकदम बढ़िया है पर खाते ही अगर उल्टी हो गई तो रानी मर गई। कहता है लुकमान तेरी दवा में इफेक्ट नहीं, बोला दवा असरदार है, दवा भीतर गई। बराबर गुरु का ज्ञान बेहोशियां तोड़ने वाला है, लेकिन ज्ञान भीतर गया, एक दवा भी खाओ
डॉक्टर कहते हैं थोड़ी देर कुछ ना खाना, उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दो, दवाई को अपना असर करने दो। हम भी कहते हैं सत्संग सुनना, थोड़ी देर मन को शांत रहने दो, एकांत रहने दो, जगत का कोई संकल्प मत करो, ज्ञान को अपना असर करने दो। ध्यान देना पड़ेगा ना। पहला काम होश में आना, दूसरा काम अपनी दुर्दशा का साक्षात्कार। होश में नहीं आएगा, अपनी दुर्दशा नहीं पहचानेगा। अपनी दुर्दशा नहीं पहचानेगा तो पीनी नहीं छोड़ेगा। संसार में माया का नशा, माया का शराब पिया, जगत रूपी गटर में गिरे, जिसको बड़ा सुख सागर समझ लिया संसार को, बड़ा सुख है, बड़ी मौज है, बड़ा ऐसा है, ऊपर से जो दंड भुगतने पड़ते हैं मोह के, इच्छा के, भोगों के रोग, उसको समझ लिया है मेरे ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। अपनी दुर्दशा पहचाननी जरूरी है ना। जब सत्संग सुन के हम होश में आते हैं, सबसे पहले हमें अपनी दुर्गति की पहचान होनी चाहिए। ध्यान देना, नया नया ज्ञान जब आप सुनते हो, रोना भी बहुत आता है। क्यों रोना आता है? अपनी दुर्दशा की पहचान होने पर रोना आता है कि जीवन क्या था और हमने क्या जिया, जिंदगी को जीना कैसे था और हम कैसे जी रहे हैं। पहचान हो जाती है ना, जिसको पहचान होती है उसको दुख लगता है, रोता है। अगर शराबी होश में आके अपनी दुर्दशा पहचानेगा, जरूर उसको तकलीफ होगी कि ये मेरे साथ क्या हुआ। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना इस दुर्दशा को, कि मैं गटर में गिर जाऊं, मेरे पे विष्ठा डाली जाए और ऐसी हालत से गुजरूं मैं। कोई भी उम्मीद नहीं करेगा, पर जब उसको पता चलेगा मेरी ये हालत हुई तो क्या करेगा? सबसे पहला काम वो ये करेगा, आगे से ना पीने का कसम उठाएगा। अगर ये स्थिति होती है तो बी केयरफुल, भाई आज से मैं जागृत होऊंगा। ऐसी स्थिति यहां आके जब गुरु साक्षात्कार कराता है, हमारी अपनी दुर्दशा से भुगता हमने, बताता हमें गुरु है, संत ने बताया कि बेटा तू गटर में गिरा था और स्विमिंग पूल मान रहा था उसको, तेरे ऊपर कचरा फेंका गया तू उसको फूल समझे बैठा था, चूहे और कॉकरोच पकड़ के तू चिकन मटन समझ के खा रहा था। संत ने बताया उसकी दुर्दशा को। ऐसे गुरु के पास आके जब हम लोगों को पता चलता है हम किस दशा से होके निकले। क्यों गुरु को वर्णन करना पड़ता है? एक समय था ऐसा तू मात गर्भ में लटका, सिर नीचे पांव ऊपर तू 9 महीने लटका, फिर तेरे पे विष्ठा पड़ी, गंद पड़ा। जब जन्म लेता है बच्चा कितने कचरे से लिपटा हुआ होता है, सबसे पहले साफ करो। साफ करने के बाद भी मैल नहीं जाती, 40 दिन लग जाता है साफ करने में। 40 दिन माँ मेहनत करती है उसका एक एक शरीर का अंग साफ करने में, क्यों इतने दिन कोई विष्ठा से लिपटा रहेगा, कचरे से लिपटा रहेगा, साफ होएगा कैसे? सब अनुभवी हो, देखा है ना, कभी रुई लेके तो कभी तेल लगा के तो कभी बेसन लगा के बच्चे को क्लीन करने की कोशिश होती रहती है,
भाई गुनगुने पानी में, गुनगुने पानी में किसको डालते हो? मैली चीज को। गुनगुने पानी से मैल उकल आती है ना, कपड़े नहीं भिगो देते कभी कभी गर्म पानी में? रोज गुनगुना पानी, टब में बच्चे को बिठा के गुनगुना पानी लेके करो साफ। गुरु क्यों हमको हमारी इन दुर्दशाओं की स्थिति बताता है? ताकि हमारा मन खट्टा होवे, हमें उलझन होवे। भोगों के दोष क्यों बताए? इच्छाओं के दोष क्यों बताए? वासनाओं के दोष क्यों बताए? ताकि हमारे अंदर खटाई आए। हमने उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि अगर उनको ध्यान में रखते हो आज एंजॉय करना मुश्किल, उन भोगों में लिप्त होना मुश्किल। बड़ी होशियारी करी है, उस सब को भुला दिया, नजरअंदाज कर दिया। लेकिन नजरअंदाज करने के बाद भी क्या ये फल, ये रिजल्ट सामने नहीं आएंगे? आएंगे तो सही, कौन छूट सकता है बताओ जरा, कौन बच सकता है? किसी ने बोला जितना वैराग सत्संग में चलता है, समझिए हम उस बात को उठाते हैं, अपनाते हैं, फिर ना एक ख्याल आ जाता है, हम तो किसी चीज को एंजॉय नहीं कर सकते। इनका एंजॉय नहीं कर पाओगे तो दुखी भी तो नहीं होगे, दोनों बातें हैं ना। आज अगर किसी चीज में राग नहीं रख पाओगे तो कल दुखी भी नहीं होना पड़ेगा। और एंजॉयमेंट कहते किसको हो? अपने अंदर का आनंद है एंजॉय करने के लिए, या माया है एंजॉय करने के लिए? विचारधारा भी गलत है, सोच भी उल्टी है। अपने तरीके से हम चलते हैं और सच को देखते हुए जानते हुए भी आंखें मीचते हैं। ये सबसे बड़ी कमी। जनवाया भी जाता है जब आप अपने को उस प्रभाव में रखना नहीं चाहते हो, आपको डर लगता है अपने आप से, मेरा मन इतना खट्टा हो गया तो घर कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी, संसार में कैसे रहूंगा, फलाना काम कैसे करूंगा। बहुत कुछ विपरीत आ आ के आपको याद भी दिला जाता है। भगवान कभी कभी परिस्थितियों के रूप में भी खड़ा है आपके सामने, जहां लिप्त होने लगते हो, जहां बनने लगते हो, जहां आसक्ति रखने लगते हो। एक ना एक खेल ऐसा होता है, एक बार अंदर शूल चुभ जाता है और फिर भगवान आके कान में चुपके से ज्ञान का, वैराग का वचन भी बोल जाता है। होता है नहीं होता है? सबके साथ होता है। लेकिन आप क्या करते हो? फिर अपनी आसक्ति को ऊपर करके, अपने राग को ऊपर करके, फिर राग में लपेट के उस परिस्थिति के असर को खत्म करने की कोशिश करते हो। यही तो स्थिति है इंसान की। राग में लपेटता जाता है, उन विपरीत हालतों को भी ना अपने राग में लपेटता जाता है, आसक्तियों में लपेटता जाता है। अरे नहीं कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या हुआ, बच्चे ही तो हैं, अपने ही तो हैं, फिर गलती थोड़ी मेरी भी है, गुरु तो कहता ही है तुम ना इंटरफेयर करो, ना बोलो, गुरु तो कहता ही है कि तुम्हें बुरा लगता क्यों है। देखो ज्ञान के शब्दों में अपने राग को लपेटते हो, परिस्थितियों को राग में लपेटते हो, राग को ज्ञान से लपेटते हो, नहीं शांति नहीं आ सकती। भगवान का छोड़ा हुआ तीर है, भला वो तुम्हें शांत कैसे होने देगा? कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस मरम्मत करने के लिए।
और जबकि आंख खोल लो अगर दोबारा आसक्ति रखने को मन ना करे। यही तो फर्क है। जो जागे हैं उन्होंने यही तरीका अपनाया कि जो परिस्थिति जो विकार जिनमें वो फंसे हुए थे उन्होंने वहां से अपने को उपराम करने का माध्यम चुना। और जो लोग नहीं जाग पाते ना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है, वो किसी ना किसी राग में उन बातों को लपेट डालते हैं, उसके ऊपर ज्ञान की गार्निशिंग कर लेते हैं। सब्जी में टेस्ट होवे ना होवे, धनिया वनिया डाल दो, देगी मिर्च का तड़का डाल दो, वो इतनी सुंदर दिखेगी, खाने वाला सोचेगा बड़ी टेस्टी है। कभी कभी नहीं कहीं जाते हैं डाइनिंग पे खाना लगता है, ऐसे लगता है बड़े अच्छे कुक हैं शायद ये, बड़ा अच्छा खाना, और डाल के देखो प्लेट में, अरे बाबा फंस गए लेके ये सब्जी, क्यों? सिर्फ डेकोरेशन थी। अगर किसी को वैराग का तत्व समझ आया है, किसी को कुमार सिद्धार्थ की तरह विकारों से होने वाली दुर्दशा समझ में आ गई है, क्या वो दोबारा संकल्प कर सकता है उसमें फंसने का? कैसे करेगा? अपने मन का कोई भी विकार है अगर आप उसको समझ गए हो, आप समझ गए हो उस विकार के अधीन होकर के मेरी कैसी दुर्दशा हुई है, ना तो आपको उनसे ईर्ष्या होगी जो वो सुख ले रहे हैं, ना आकांक्षा होगी। देखो इच्छा के बिना ईर्ष्या भी नहीं है किसी से। आज मुझे अगर इच्छा नहीं है कोई सुख लेने की, मुझे ईर्ष्या क्यों होगी जो सुख ले रहा है? मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा उन पे, हद मार तरस आ जाएगा, भगवान इनको भी सच का साक्षात्कार हो जाता ये भी बच जाते थे। गुस्सा किसको आ रहा है? जिसको इच्छा पड़ी है, मैं नहीं ले पा रहा ये सुख, ये क्यों ले रहा है? मर्जी अगले की वो ले रहा। कभी कभी आपका मन जो रिएक्शंस करता है उससे भी अपनी छिपी हुई इच्छा को पहचानना, करता है ना रिएक्शन मन आपका। निरिच्छा व्यक्ति को ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, विक्षेपता नहीं, जो निरिच्छा है। इच्छा वाले को जिसने इच्छाएं दबाई हैं उसका ध्यान जाएगा सारा दिन, मैं तो ये नहीं कर पा रहा ये तो कर रहा है। हम भी कभी कभी समझाते हैं ना किसी को, फिर बाकी लोग तो ऐसा करते हैं, मुझे समझ आ जाता है अंदर इच्छा पड़ी है, जो थोड़ा बहुत भी कंट्रोल किया हुआ है वो भी भयवश, यहाँ पल्ले कुछ नहीं पड़ा हुआ, ऊपर का माला पूरा खाली है, जड़ता वही की वही है। क्यों? दूसरों से ईर्ष्या का मतलब है हमारे अंदर इच्छा है। अब सुअर विष्ठा खा रहा है, आपको नहीं खानी, आपको कभी गुस्सा आया क्यों खा रहा है? ये तो मुआ खा रहा है, मैं तो नहीं खा पा रहा। जब मुझे इच्छा ही नहीं है मुझे दूसरे से भी ईर्ष्या क्यों? सोचने वाली बात है। विक्षेपता क्यों? एक काम मुझे नहीं करना, नहीं करना, मेरी चॉइस है ना करना। क्या सारी दुनिया को रोक दूं कि तुम ये सब नहीं करोगे? ये तो फिर इच्छा की पहचान है, सीधी बात है। अपने अंदर इच्छा जब जीवित रहती है दूसरों में ध्यान जाएगा, जरूर जाएगा, और ईर्ष्या भी होएगी। कभी कभी देखो तुम ज्ञान सुन के भी ना हर बात के लिए दूसरों को टोकने का मन करता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इच्छा है तुम वो कर नहीं पा रहे, तुम्हें गुस्सा आता है ये क्यों कर रहा, ये भी ना करे। निरिच्छा हो, समाधानता है अंदर,
आज तुम जानते हो विष्ठा तुम्हारे खाने योग्य नहीं। सुअर से कोई ईर्ष्या नहीं, सुअर पे कोई क्रोध नहीं, बस वेरी सिंपल, मैंने समझ लिया विषय विष समान, बात खत्म। मैंने समझ लिया मेरे जो स्वभाव मुझे ज्ञान से गुरु भक्ति से दूर कर रहे हैं, मुझे उन स्वभावों में नहीं वर्तना, दूसरा हजार बार वर्ते जाके। मुझे पसंद नहीं आया भोगों में जाना, लेकिन ये तो मतलब नहीं घर में भाई बहनों ने कजन्स ने जिसने शादी की अब उससे चिड़ हो जाए, ईर्ष्या हो जाए, ये तो भोगी ये तो फलाना, नहीं, हम उनको भी प्यार कर सकते हैं, हो सकता है हमारे प्यार से उनको भी एक दिन सत्य का मार्ग मिल जाए। ये क्या बात हुई, ईर्ष्या किस चीज की, या क्रोध भी क्यों उन पर, इन्होंने क्यों किया ऐसा, उनकी अपनी जीवन हमारी अपनी जीवन। लेकिन जब किसी को देख के कर्म की रीस का मन करे या ईर्ष्या आए, अच्छी तरह अंदर समझ लेना तुम्हारे अंदर इच्छा जीवित है, ज्ञान ठीक समझ ही नहीं आया है, ये बात ध्यान में रखना। नहीं तो इन चीजों का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। भगवान हम लोगों को ऐसी ऐसी जगह भेजते थे जब एज थी अपनी भी, अब सत्संगियों के घर शादियां हो जाओ, हम लोग क्या करने जाएं, जाओ। लौट के आते थे तो सवाल होता था उनका, कुछ चला तो नहीं, देख के कोई रीस कोई ईर्ष्या कोई भावना कुछ पैदा तो नहीं हुआ अंदर, कोई संकल्प कोई खेचल मन की। एक बार एक लड़की ने कहीं से आके बोला, भगवान खिंता ही आई मेरे को तो जाके, उन्होंने वहां भी पकड़ लिया, बोला खिंता मना भी इच्छा, बी नॉर्मल एंड नेचुरल, तेरे अंदर खिंता क्यों आ रही है उनको देख के, तुझे क्या लेना है उससे, मतलब मन में कोई भी खेचल उठती है तो तुम कहीं ना कहीं जुड़ रहे हो उस दृश्य से, तुम खेचल रहत रहो, बात खत्म। तुम्हें कुछ नहीं करना तुम मत करो, करना है करो, लेकिन दूसरों पे अधिकार किस चीज का भाई, उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी देखो हम लोगों के पास कमेंट्स नहीं होते किसी के लिए, कहीं भी चले जाएं, गुरु ने इतना दूर किया इन बातों से, नो कमेंट्स, ना वहां बैठ के देखो फंसने जा रहा है फलान करने जा रहा है, तुम्हें क्या परेशानी है, उसकी जीवन है वो कुछ भी करे, पर कहीं ना कहीं सूक्ष्म मन की इच्छा है जो तुम्हें कोई ना कोई खेचल पैदा हो रही है। मन हर खेचल से खाली होना चाहिए, हाँ वो एक अलग बात है, हमारी अपनी खुनकी है, हमारा ना किसी से बहुत वर्तना ना किसी से फालतू बात, ना लेना ना देना, वो ठीक है, हम अपने मार्ग चलेंगे अगला अपने मार्ग चलेगा, लेकिन खेचल कोई नहीं होनी चाहिए अंदर में। और इन चीजों को हम नोटिस कब करते हैं, नोटिस भी तब करते हैं जब अंदर इच्छा होती है, नहीं हम नोटिस भी नहीं करेंगे। अब भाई टीवी देख रहा है, इस बच्चे का कल इम्तिहान है, अब उसको चिढ़ मचेगी, मैं भी टीवी देखूं, मैं भी टीवी टीवी देखने की इच्छा है तो भाई का टीवी देखना भी चुभ रहा है। अगर उसके अंदर ये निश्चय है भैया मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मेरे कैरियर का सवाल है, उल्टा भाई कमरे में भी बैठा हो तो जाना टीवी देख, जाता टीवी देख आराम से, क्यों मुझे डिस्टर्ब ना करे, भेजेगा टीवी देखने। ज्ञानी को जोरी भी किसी की माया नहीं छुड़ाने की, किसी को नोटिस भी नहीं करना, वो तो उल्टा कहेगा जाओ जाओ खेलो,
सीधी बात है, जाओ तुम खेलो अपनी माया में, यहां बैठ के मत्था ना खाओ। नोटिस कब किया जाता है? जब अंदर इच्छा पड़ी हुई है तो हम नोटिस करते हैं। नोटिस करेंगे तो ईर्ष्या भी करेंगे, रीस भी करेंगे। अगर अपने को रोकना पड़ा तो मन दलील देगा, क्यों, ये भी तो ऐसा करता है, मैं क्यों ना करूं। ज्ञान का तत्व पल्ले पड़ा नहीं। ये बात कुमार कहना चाहते हैं कि अगर एक बार आपने समझ लिया सच को सच और झूठ को झूठ, आप दोबारा झूठ के बंधन में क्यों आना चाहोगे भाई। तभी एग्जाम्पल सांप का और अग्नि का दिया है। कोई दोबारा नहीं आना चाहेगा ना इनकी लपेट में। तो जिसने समझ लिया सही वैराग, वो इस लपेटे में नहीं आना चाहेगा। दोबारा विषयों की दलदल में जाने की वो कामना नहीं करेगा। फिर विकारों की अधीनता वो स्वीकार नहीं करना चाहेगा। आज देखो हमको हिस्ट्रीज बताते हैं सब बड़े लोग ना, भाई कैसे अंग्रेजों के समय देश गुलाम था, क्या क्या होता था। चाहता है कोई व्यक्ति दोबारा वो लोग हमको गुलाम कर लें? उनको तो छोड़ो, अब सारे देशों से सतर्क रहते हैं, कोई यहां आके फिर हमें गुलाम ना बना ले। जिसने गुलामी की पीड़ा सहन की वो दोबारा गुलाम होना चाहेगा? कभी भी नहीं होना चाहेगा। जेल वेल क्यों बनाए कि एक बार सजा पाके अकल आ जाएगी, दोबारा कर्म करने से पहले सोच लेगा। सेम बात है, जिसने समझ लिया कि इन विषयों ने मेरी कैसे अधोगति की, वो दोबारा अटकेगा नहीं उसमें। फिर बोलते हैं जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, वो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित्त होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या करे, मैं कहता हूं कि ऐसा व्यक्ति ही किसी विषय आसक्त से ईर्ष्या करेगा। आ गई बात फिर वही, किसी विषय आसक्त से ईर्ष्या कौन करेगा। उसका मिसाल दिया, खुद धनवान है और गरीब आदमी से ईर्ष्या कर रहा है, खुद स्वस्थ है पागल से ईर्ष्या कर रहा है। क्या एग्जाम्पल दिए। तो विषय आसक्त से ईर्ष्या कौन करेगा, वो ऐसा ही मूर्ख होगा। भाई शुक्र नहीं करता भगवान ने मुझे बचा लिया इन रोगों से। कितने लोगों को अफसोस नहीं है दुनिया में, हमारी शादी नहीं हुई, बड़ा अफसोस है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, इतना क्या तकलीफ हो गई है भाई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के सुख को जाना ही नहीं है, वही सुख सब कुछ लग रहा है। पर वैराग्यवान की दृष्टि में किसी का सुख देख के, विषय सुख देख के उसकी कामना करना या उनसे ईर्ष्या करना, ये ऐसा ही है जैसे किसी पागल व्यक्ति से हम ईर्ष्या कर बैठे। होगी पागल से ईर्ष्या आपकी, लगेगा मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, कभी नहीं लगेगा। अपने अंदर सिमटाव होवे, किसी विषय आसक्त पुरुष के प्रति ईर्ष्या जागी नहीं सकती है। अब देखो वो संत जिसका ध्यान मछलियों में चला गया कि इन्होंने भी काम सुख लिया और मैं नहीं ले पाया, हजार जन्म वैश्या का मिला और उसने अपना भुगतान किया जाके, एक सोचने जैसी बात है कि अंदर समाधानता का जो अभाव है। अब ये ना सोचना ये ईर्ष्या खाली इंसानों से आती है,
जानवरों को इंसान से ईर्ष्या नहीं आती, पर इंसान को जानवरों से भी ईर्ष्या आती है। उसको मछली से ईर्ष्या हो गई, और ईर्ष्या का परिणाम क्या हुआ? वासना का बीज। ईर्ष्या का ही तो परिणाम था, इन मछलियों ने भी सुख ले लिया है, मेरे को ना मिला। वासना का ऐसा बीज डाल बैठा, हजार जन्म भुगतना पड़ा वैश्या बन के। भोग भाई तू धरती से खाली ना चला जा, रज के जा। सोचने वाली बात है, किसी विषय आसक्त प्राणी को देख, मनुष्य होवे, जानवर होवे, कोई मूवी होवे, कोई पोस्टर होवे, कहीं भी ईर्ष्या का भाव, रीस का भाव आपके अंदर वासना का बीज डाल देगा। बी केयरफुल, बचना। ईर्ष्या बड़ा महंगा मेहमान है, दुर्गतियों की तरफ ले जाता है। और खास तौर पे जो गुरु के पास आ गया, सत्संग में आ गया, ज्ञानमय जिसका जीवन हुआ, उसको ऐसी ईर्ष्या बहुत महंगी पड़ती है। ईर्ष्या का हमारे जीवन में कोई काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। चाहे कोई इसी मार्ग पर भी चल रहा है, उसके बावजूद भी आपको लगे ना ये सांसारिक सुख नहीं छोड़ता, भोग नहीं छोड़ता, उसको गोली मारो, वो ईर्ष्या करने की चीज नहीं है। ईर्ष्या करने का मन करे भिलनी से करना, गुरु से करना, है इनकी इतनी सुंदर जीवन बन गई, मेरी क्यों नहीं बन रही, ये ईर्ष्या करना। प्रभु में जो आसक्त हैं, अपने सतगुरु में जो आसक्त हैं, उनसे ईर्ष्या करना। जो भगवान के बिना सांस नहीं लेते, उनसे ईर्ष्या करना। जो अपने सतगुरु पे वारी वारी जाते हैं, उनसे ईर्ष्या करना। मेरा ऐसा प्यार क्यों नहीं, मेरी ऐसी भक्ति क्यों नहीं, मेरे रोम रोम में वो ऐसे क्यों नहीं बसे, हनुमान से ईर्ष्या करना, गोपियों से करना। चलो तुम्हें ईर्ष्या करनी है, जिस मार्ग पर चल रहे हो उस पे करो ना ईर्ष्या, ताकि उन्नति हो जाए। उनसे ईर्ष्या ना करना जिनके ईर्ष्या से तेरे अंदर वासना का बीज पड़ जाए और तू जितना चढ़ा है उससे भी नीचे गिर जाए। ये ईर्ष्या बड़ा महंगा मेहमान है। एक कीड़ा पड़ जाए ना कपड़ों में, पड़े पड़े कपड़ों को काट जाता है, काटता है नहीं, शॉल वगैरह निकालो कई टुकड़े हुए पड़े होते हैं, ये क्या हुआ, कीड़ा लग गया शॉल को, काट गया। ईर्ष्या वैसा कीड़ा है, अंदर अंदर तेरी ज्ञान संपदा, वैराग संपदा, भक्ति की संपदा सबको कुतर कुतर के खत्म कर देगा, ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या वो करो जो तुझे उन्नत तो करे, वो ईर्ष्या क्या जो वासना के बीज डाल दे, द्वेष पैदा कर दे तेरे अंदर और आग लगा दे काम क्रोध की, ऐसी ईर्ष्या क्यों करनी भाई, ये ईर्ष्या गलत है। और एक चीज से हम छूटे हुए हैं, फिर दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हैं, कितना ना पागलपन है। हम छूटे बैठे हैं, हमारा मन मुड़ गया वहां से, मुड़ा तो ईश्वर से जुड़ा हमारा मन, उसके बावजूद भी हम बार बार वहीं के संकल्प कर रहे हैं, तो ये मूर्खता नहीं है तो क्या है, मूर्खता है ना। हमें ये भी नहीं देखना आता कि हमें क्या देखना चाहिए, ये भी नहीं विचारना आता हमें क्या विचारना चाहिए। और सच में जब नहीं होता अंदर, ध्यान ही नहीं जाता। कई बार भगवान बोलते थे हम लोगों को भी, फलाना ऐसे कर रहा है, तुम नो सॉरी
एक बार किसी ने बड़ा द्वेष में आके, भगवान यहाँ आए थे, बहुत अच्छे से सब हुआ, उन्हीं की कृपा थी, उन्हीं की सलाह थी, लेकिन किसी को अंदर बड़ी ईर्ष्या हो गई। उसने नाम ले लेके, सत्संग भी हमारे इधर एरिया में ही रखा, नाम ले लेके गालियां दी, भगवान तक भी बात पहुंच गई। बोले तू भी तो सत्संग वहीं करता है, एक दिन तू भी नाम लेके और बोल दे सारा कुछ। मैंने कहा ये तो आपने सिखाया नहीं, सिखाते थे आप पहले तो हो सकता था, आपने सिखाया नहीं ये सारा। एक करुणा तो जरूर आ रही है अंदर में, बेचारे को इतनी तकलीफ क्यों हो गई, क्या बुरा लग गया उसको, उसके मान में कोई कमताई हो गई, क्या हो गया, लेकिन संभव नहीं है कि उससे रीस की जाए और उसकी ईर्ष्या को देख के सेम रिएक्शन किए जाएं, ये नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है ना। एक अपना कॉन्शियस, जब हम लोग ये बातें करते हैं दूसरा तो ऐसे करता है, मतलब अपना विवेक कुछ नहीं, अपना कॉन्शियस कुछ नहीं, अपने अंदर सच झूठ का फैसला कुछ नहीं, अपने अंदर वाले को भलाई बुराई कुछ पता नहीं, कोरा चल रहा है, अंधा। अब अंधे व्यक्ति का तो कोई क्या कर सकता है। ये अंधापन है, जब हम उन चीजों के लिए ईर्ष्या करते हैं जिन चीजों से हमें छूट के चलना है। ऐसी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए किसी भी विषय की, विषय कोई भी होवे, पर ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या गंदा बीज डालेगी वासना का। आप अपनी ऊंचाई छोड़ के उस निचाई पे खड़े हो जाओगे, आप अपनी शुद्धि छोड़ के उन अशुद्धियों को स्वीकार करने लगोगे, आप निर्वासनिक होते हुए वासना के खड्डे में जा गिरोगे। इसलिए ईर्ष्या नहीं, जिसको जो करना है वो करे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्यों ईर्ष्या करते हो, ये तो बैठ के सारा दिन नेट पे पिक्चर देखता है, फलानी चीज देखता है, तेरा ये एम है नहीं है ना। दुनिया वाले तो बहुत कुछ करेंगे, यहां आके भी किसने कितना एम बनाया ये भी उसको पता, और हो सकता है जो आपको दिख रहा है वो सच ना हो। अब दिखा तो लोगों को गीता भगवान की शादी भी दिख गई, पर गीता भगवान के पीछे तो उनके गुरु का चैलेंज, गुरु की आज्ञा, गुरु की ममता के कारण उन्होंने उस चीज को भी स्वीकार किया। आप जानते हो कुछ, आप जानते हो, और गुरु ने उनको कितना ऊंचा आदर्श बनाना था, आप जानते हो कुछ चीजों को, नहीं जानते ना, इंटरनल चीजें क्या थी वो दिख गया लोगों को। और कई लड़कियों को फिर रीस हो गई, रीस भी ईर्ष्या के कारण हुई होगी। हम तो कवारी बैठी हैं, इनके साथ की हैं, दादाजी ने अपनी बेटी तो ब्याह दी, फिर सोचा, उनकी स्थिति को देखा गया, भाई वो ग्रस्त में भी उपराम, फिर लड़कियों ने सोचा हम भी ऐसे रहेंगी, पर हम क्या करें उसके लिए, श्याम नाम का पति ढूंढो, कि उनका श्याम है तो हम भी श्याम ढूंढेंगी, श्याम ढूंढ भी लिए, पर एक भी उपराम रह ना सकी। सतगुरु पे हाथ डालने से पहले अपनी औकात का दर्शन करना चाहिए। एक तो वहां औदा है, सतगुरु है वो, तेरे औकात नहीं होनी चाहिए वहां आंख उठा के इस तरह से देख। दूसरी बात, महापुरुषों की तरफ जब भी देखो
उनकी कृपा और दया मांगने के लिए देखो, वहाँ कभी ये मत सोचना इन्होंने ऐसा किया हम भी कर लेंगे, उतनी सामर्थ्य है। वहां रिश्ता ही नहीं है ईर्ष्या वाला या रीस वाला, बचना। लड़कियां सब गिरी एक एक करके, आज सत्संग से भी गायब है, सत्संग ही ना बचा। उपरांता तो क्या आती, क्यों? फकत वैराग भीतर नहीं था, ईर्ष्यावश गई थी। जब आपके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। गीता भगवान की सफलता के पीछे इंटेंशंस की क्लैरिटी है, अपना एक संकल्प नहीं है। यही कारण है जब फेरों पे बैठे हैं, हथलेवा हुआ, भगत का हाथ हाथ में आया है। इच्छा होती तो ये ख्याल नहीं आ सकते थे, सिर्फ और सिर्फ गुरु आज्ञा। तो देखने में बहुत कुछ आता है, लेकिन जो दिख रहा है उससे ईर्ष्या कर लेना या रीस कर लेना तुम्हारी गिरावट का परम कारण, तुम गिरोगे। झटपट ईर्ष्या कर ली दूसरों से, ये भी तो ऐसा करता है, वो भी तो, और तुम्हें यही करना है तो तुम दुनिया में जाओ, यहां तुम्हारा स्थान नहीं है। क्योंकि जिसको तुम देख रहे हो और ईर्ष्या कर रहे हो, वो किसी के ईर्ष्यावश वो कर्म ही नहीं कर रहा, गुरु आज्ञा से कर रहा है। ये भी तो बात है, तुमने देख लिया किसी को, समझो एक फोन पे ही बात करते देख लिया, अब हो सकता है उसने आज्ञा मांगी हुई हो, कोई कारण हो, हम ही ने कहा उसको बात करो घर में। कईयों के घर के मैसेज ही हमारे पास आते हैं, हम उनको बोलते हैं तुम बात करो अपने घर, भैया फोन करके मैसेज देते हैं, अगले को बोलो घर में बात करे, फोन आया था। कारण तो नहीं पता ना, ईर्ष्या कर ली, रीस कर ली, ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। अब तुम गिरोगे, क्योंकि तुम अपना हाल उन लड़कियों वाला कर रहे हो जिन्होंने गीता भगवान की कोरी नकल की। तुम्हारे अंदर वैराग्य क्यों नहीं है? और आज तुमने इस बात की नकल की, छोटी बात की, कल तुम बड़ी बात की नकल करोगे। कोई फिसला ना अगर माया में, तेरा मन भी कहेगा मैं भी फिसलता हूं। कई बार देखी गई ये चीज, अगर एक फिसला, गुरु के पास देखते थे हम, समझो चलते चलते कोई फिसला, 8 साल बैठा, 10 साल बैठा, फिसला, 2-4 लोग उसके साथ जरूर फिसल जाते थे। जिसको फिसलने की आदत है ना, आज वो छोटी छोटी बातों की रीस कर रहा है, कल पक्का ही पक्का वो देखेगा ना जब किसी को, तो अपना बेड़ा गर्क करेगा, क्योंकि उसका अपना तो कोई पैर जमा हुआ नहीं। ये मार्ग कहता है अपना पांव जमाना, समुद्र किनारे जाते अपना पैर जमाते हैं। जिनको लहरों में तैरना आता है हम उनकी नकल नहीं करते, वापस ही नहीं आएंगे। हम अपना किनारे खड़े हो जाते हैं, पैर जमा के, बस लहर आ जाए, स्नान कराए और जाए, है ना, उचित दूरी। जितना वेग हम सहन कर पाएंगे, सारा तौल मौल के बड़े सुरक्षित खड़े होते हैं, कोई के थोड़े और आगे आ जाओ, ना भैया हम नहीं आ रहे, हम ना सह पाए, हम गिर गए, पता लगे पानी मेरे को अंदर ही ले गया। पांव जमाना, बैठे हैं उसी माया में, लेकिन इतना डिस्टेंस बना के रखना अंदर से कि मैं किसी तरह से बह ना जाऊं, लिप्त ना हो जाऊं, ये भी एक जरूरी वाली बात है। आदत है जिसको बह जाने की, वो बह जाएगा, और जिसको आदत नहीं है, विवेकानंद, उसके गुरु ने शादी की है, वहां कोई संकल्प ही नहीं है। इतनी उसकी मां पीछे पड़ी,
उसको संकल्प नहीं। और जब गुरु ने देखा मेरे बच्चे को संकल्प नहीं है, शुद्ध है बहुत वो अंदर से, कोई उसको रीस नहीं संसार से। एक बार जब बहुत ज्यादा जोर पड़ा उस पर, रामकृष्ण खुद आंख बंद करके समाधि में बैठ गए। पूछा गया आप, बोला बच्चे के मन में कोई मैल ना आ जाए, मैं कवच बना बना के रक्षा कर रहा हूं, तीर बहुत आ रहे हैं, क्योंकि ऑफर बड़ी अच्छी आ गई, कोई अपनी बेटी भी देने को तैयार था, नौकरी धंधा देने को भी तैयार था, मां तो उसकी बिल्कुल रीझ गई, घर बैठे सब कुछ आ रहा है, लड़की आ रही है, दहेज आ रहा है, तेरे को नौकरी मिल रही है, काम धंधा मिल रहा है, और चाहिए क्या। और कहीं ना कहीं इसके मन में भी मां का दुख देख के दुख था, घर में खाने की तो दिक्कत थी। अब रामकृष्ण ने बच्चे की शुद्धि देखते हुए ये सोचा कि ऐसा ना हो ये बच्चा परिस्थितियों वश कमजोर पड़ जाए। जब एक अग्नि मंद पड़ती दिखती है ना, हम उसके साथ चार जलती लकड़ियां और जला देते हैं, लगा देते हैं, अखबार डाल देते हैं, बूरा डाल देते हैं, सामग्री डाल देते हैं, फिर अग्नि तेज हो आए। हालांकि विश्वास रामकृष्ण के अंदर भी है कि बच्चा नहीं फिसलेगा, पर एक वात्सल्य ममत्व होता है गुरु का, ऐसे बच्चे के प्रति जो साधना में पुरजोर लगा हुआ है, पूरे प्राणों से लगा हुआ है। रामकृष्ण यहां से बैठे बैठे कवच बनाए जा रहे हैं, शक्ति दिए जा रहे हैं, ताकत दिए जा रहे हैं, हिम्मत दिए जा रहे हैं कि मेरे बच्चे को कोई हालत, कोई कारण, कोई वचन असर ना कर जाए उनका। एक बात समझने वाली है, गुरु से भी पुरुषार्थ हो गया ऐसे के लिए जिसके अपने मन में कोई खोट नहीं है। दिलांदे खोटे आंदा, कोई भी कारज रास नहीं होंदा। अगर किसी के दिल में खोट है, कोई कारज रास नहीं उसका इस मार्ग पर भी। दिल साफ चाहिए, और जितना इस धंधे में पड़े रहो ना दूसरों से ईर्ष्या वाले, अंदर वाला और कमजोर और कमजोर, और इच्छा का गुलाम और वासना का गुलाम होता है, क्योंकि चलना तो अपने रास्ते। अब मान लो हम पढ़ाई में भी फ्रेंड से कितने कितने चैप्टर कर लिए, उसने 10 कर लिए, हमने कितने किए। अगर मैंने एक या दो ही किए हैं तो क्या, और मान लो अगला कहता है मैंने दो ही किए और हम 10 कर चुके हैं, अब क्या करोगे, छोड़ दोगे 8 अपने, या क्या करोगे, पढ़ना बंद कर दोगे, अभी तो वो 8 चैप्टर पीछे है। कछुए वाली हालत करोगे अपनी, वो खरगोश वाली, कछुआ भी पीछे है सो जाता हूं। किसी से ईर्ष्या करने का मतलब हुआ अपनी पूंजी गंवाना, वैराग की पूंजी, भक्ति की पूंजी गंवाना। और ये भी तो हो सकता है सामने वाला समर्थ होवे, वो कुछ भी कर रहा है, हो सकता है वो समर्थ होवे, ये भी हो सकता है वो असमर्थ होवे। भाई असमर्थ व्यक्ति को भी हम लोग छूट दे देते हैं, और हो सकता है अगला इतना समर्थ होवे, कोई भी कर्म करके अपने को चिंतन से छुड़ा सकता हो या अपनी स्थिति ना खराब होने दे रहा हो, पर तुम जो ईर्ष्या करोगे उससे तुम तो गिरोगे। तभी तो हम कहते हैं जिज्ञासु जिज्ञासु की भी बातचीत नहीं होनी चाहिए। अब एक कहेगा भले सालों से बैठा है सत्संग में, भाई कोई इतना थोड़ी छूट सकते हैं, हम ग्रस्त में रह के आना जाना तो पड़ता है, अब तुम छूटे छुटाए भी उसको देख के मरोगे कि ये भी तो आता जाता है, मैं भी जाऊंगा, गलत हो गया ना किसी से बात करना, मन फटाफट कंपैरिजन करता है। लेकिन ये रास्ता बस गुरु की सहायता से चलना होता है और अकेले चलना होता है। होशियार बच्चे क्या करते थे,
खुद भी अगर हम इंटेलिजेंट होते थे ना, सारी क्लास पूछ पूछता कितने चैप्टर कर लिए, तेरा कितना कोर्स हो गया, अरे टाइम ही कहाँ मिला, हम पढ़ ही कहाँ पा रहे हैं। फिर कल हम शादी में चले गए, परसों हम उधर चले गए, फिर हमारे घर में फंक्शन था, मौसी के यहाँ फलाना था, सारा झूठ होता था। अपना पढ़ बैठे अंदर चुपचाप, शोर ही नहीं मचाते थे, सियाणा वो होता था। और जब पेपर मिलते थे, नंबर आते थे, बच्चे चूटियां काटते थे, तेरे नंबर कैसे आ गए, तुम तो पढ़ा ही नहीं था, है ना। सियाणे कौन होते थे जो अंदर अंदर अपना कोर्स कवर करते थे, देख भी लिया दूसरे खेल रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। मूर्ख व्यक्ति ध्यान भटकाता है, सियाणा व्यक्ति उल्टा देखता है सबका ध्यान अगर भटका हुआ है, मैं अपना पढ़ लूं, मैं अपना काम कर लूं। सियाणा तो वही होता था, क्लास में नहीं, कभी कभी फ्री पीरियड टीचर ही नहीं आई, अब कोई बैट बॉल खेलने लगे, कोई शोर मचाने लगे, समझदार व्यक्ति चुपचाप अपना होमवर्क करता रहता था, पहले वाली क्लास में जो मिला होमवर्क वो कर लिया। अरे तुम क्यों पढ़ रहा है, मेरे को ना आज जाके कहीं जाना है, फिर मेरा होमवर्क रह जाएगा, मैं अभी खत्म करूं, तुम खेलो खेलो। अपना होमवर्क वहां से कराया, घर आके एक्स्ट्रा स्टडी कर ली, यही सियाणा पोती थी कि नहीं। यहां ईर्ष्या करोगे तो उन बच्चों की तरह बन जाओगे। और कोई कोई करते थे, अच्छा भला किताब खुली हुई है, चल कोई नहीं कॉपी बाद में बना लूंगा, वो बुक बंद करके खेलने भाग गया, फिर अगले दिन पनिशमेंट। अगर रीस करोगे संसार वालों से, अच्छा रीस भी हम कौन से पोर्शन पे करते हैं, जहां हमारी इच्छा है, बाकी पोर्शन पे नहीं करते, बाकी पे नहीं करेंगे। हम भी पूछते हैं ना कि फलाना भी तो ऐसे करता है तो मैंने भी कर लिया, फलाना और फलाना जो साधना कर रहा है, फलाने का जो अनुभव है, उसकी रीस कौन करेगा, उसकी कोई रीस नहीं, क्यों, उसकी रीस तो मुझे करनी नहीं है। किसी ने अपना समय लिखने पढ़ने में लगाया, कोई मनन में बैठा, किसी ने गुरु के वचन को इतनी अच्छी तरह गुथा, इतना अनुभव का मक्खन निकाला, वो वहां तो हमको रीस करनी ही नहीं है, क्योंकि हमारा एम ही इतना खाओ पियो भोगो और सो। ये ईर्ष्या वाले की स्थिति, ईर्ष्या का स्वभाव ना निकाल पाओ तो ऊंची चीजों से ईर्ष्या करना, वरना पनिशमेंट पाओगे। और सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या होगी, गुरु भी मिला, ज्ञान भी मिला, समय भी मिला, और फिर भी तुम 84 के गेड़े खाओगे, फिर भी आनंद नहीं मिला, फिर भी एक उम्र में जाके पछताओगे, ये सबसे बड़ी बड़ी बुरी सजा होगी। इसीलिए ईर्ष्या नहीं, ज्ञानी को किसी के पदार्थ देख के, किसी का धन देख के, किसी के भोग विलास देख के कोई ईर्ष्या की भावना ही नहीं है। ईर्ष्या कैसी, तेरा सुख तेरे साथ, मेरा सुख मेरे साथ, इतना जानते हैं जो आनंद हमारे पास गुरु की कृपा से है, तुम्हारे महलों में, तुम्हारे गहनों में, तुम्हारे धन में, तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे बाल बच्चों में, किसी चीज में नहीं है। नहीं तो तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो, तुम शरण क्यों आके बैठे हो, अंदर समाधानता है तो ईर्ष्या की भावना ही नहीं आती। ना ये ईर्ष्या आती, इसके सुनने वाले इतने, मेरे इतने, ये भी ईर्ष्या नहीं आती, कोई ईर्ष्या है ही नहीं। ये यहां ना जाए, वो वहां ना जाए, ये मेरी आज्ञा में चले, ये ईर्ष्या भी कोई नहीं किसी से, गुरु की भी कोई नकल नहीं, अपना जीवन अपने तरीके से चल रहा है और उनकी आज्ञा से चल रहा है, ये भी नहीं कि उनकी रीस करनी है। ना सत्तोगुणी माया में, न रजोगुणी माया में, न तमोगुणी माया में, किसी माया में ना कोई ईर्ष्या ना कोई रीस। क्यों, ज्ञान कहता है आपसे आप में संतुष्ट, तो काहे की रीस, काहे की ईर्ष्या। जब हम स्वस्थ हैं ज्ञान से, माया में जो लोग पागल हैं हम उनसे ईर्ष्या करके क्या करेंगे। पर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ज्ञान पर, गुरु पर,
अपने अनुभव पर एक ऊंचा विश्वास कि जो मुझे प्राप्त है वो अति श्रेष्ठ है, तब आपका ये ईर्ष्या का स्वभाव छूटता है। जैसे सुअर से नहीं ईर्ष्या करेंगे, ऐसे सब माया में लिप्त है पर हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। ठीक।